है इस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राउड टू इंडियन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिटेल मींस कम्पेरिजन बिटवीन द बी पी पोदी रॉय वर्सेस नरूला ओके सो वाई डब्लू काउंसलिंग है ऑलरेडी स्टार्ट है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इन डाउट दैट बीच कॉलेज द प्रायोरिटी कौन सा कॉलेज को प्रायोरिटी दे प्लेसमेंट कैसा इन लोग का ओके ऐसे आई एव ऑलरेडी मेड द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ पार्टिकुलर ऑल कॉलेज हर एक कॉलेज का में पार्टिकुलरी मैं पार्टिकुलर मैं कॉलेज रिव्यू बना चुका हूँ बीपी पुदार का बी सी का नरूला का बट इन दिस वीडियो एक थोड़ा शॉर्ट टाइप का एंड आई विल गिव यू ओवरऑल समरी दैट कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए एंड बीच प्रायोरिटी ऑर्डर शुड यू स्टूडियो हाई यानी किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर दे बी सी रो बी पी या नरूला और और साथ ही साथ आपको मींस हर एक डिटेल में बताएंगे आपका प्लेसमेंट क्या है फीस स्ट्रक्चर क्या है कट ऑफ क्या है मेन रूप से ही तीन बात करेंगे और थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बात करेंगे ओके सो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का मन बना दिए सो दिस विल रियली हेल्प यू ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल का इफ यू आर न्यू व्यूअर टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माई चैनल क्योंकि इस तरह का वीडियो कंटेंट आपको ही मिलेगा आई विल हेल्प यू नॉट ओनली इन द डब्ल्यू जी काउंसलिंग बट आफ्टर दैट आफ्टर एंटरिंग द कॉलेज कॉलेज में क्या करना आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू नोट इफ पॉसिबल सो बहुत सारा वीडियो आने वाले दिन में आने वाला सो मेक्स यूर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो वीडियो की ओर बढ़ते भी ना टाइम वेस्ट किए हुए बी पी पो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो की कोलकाता में है बी सी इंजीनियरिंग कॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज दट इज इन दुर्गापुर एंड थर्ड इज द नरूला इंस्टीटूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर पर ओके okay? सो so, तीनों का बात करेंगे ओके सो फर्स्ट इज मैं थोड़ा आपको पहले कट ऑफ दिखाता हूँ क्योंकि कट ऑफ जाना जरूरी है कि कितना जाएगा कट ऑफ हो गया सो एक्चुअली दिस इज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड दिस इयर में द कट ऑफ में गो लिटिल बिट हाई okay? थोड़ा सा इस बार कट ऑफ मीनस करा वो नंबर वाइज थोड़ा ऊपर जाएगा सेम बिकॉज द मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द जोसा आ अदर थिंग तो इस साल हो सकता है थोड़ा कट ऑफ और ऊपर जाएगा मीनस ऊपर जाएगा मीस नंबर वाई ऊपर जाएगा ओके सो बी पी पता का देख लीजिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ था सी एस सी के लिए फोर्टीन थाउजेंड के अंदर बंद हो रहा है ओके बट इस साल थोड़ा फिफ्टीन थाउजेंड तक जा सकता है मीन्स फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टीन है तो अप टू प्लस फोर हंड्रेड कर सकते हैं तो so, होम स्टेट का देख लेते हैं ये टी एफडबू का है सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन तक जा रहा okay? जा है एंड ये ऑल इंडिया रैंक फोर्टीन थाउजेंड इसी थर्टी वन थाउजेंड तक जा रहा है एंड टू मीन फॉर द टी एफ डब्ल्यू थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इलेवन फॉर आई टी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच हेयर सो ये इसका जा रहा है उन्नीस हजार पाँच सौ पचासी और ये बीस हजार तक भी आपको आराम से आई टी मिल सकता है ओके नो एनी डाउट एंड दिस इज द ऑल द फॉर द टी एफ डब्ल्यू दैट इज एट थाउजेंड एट हंड्रेड जीरो नाइन ओके एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई खास इसका है नहीं बट सिक्सटी फोर थाउजेंड तक भी आपका रैंक है तो मिल जाएगा ओके सो ये बीबी बी का कट ऑफ था देन टॉकिंग अबाउट द बीसी रॉय कट ऑफ सो दैट इज द फर्ट सी एस सी इट गोज अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सेवन और इस साल देर इज स्ट्रॉग चांस दैट इट विल गो अप टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ओके ठीक है मैं मैं ये भी बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग चांस बट इट मे दैट कट ऑफ मे डिग्री ओके बट डिग्रीज होने का बहुत कम ही चांस है कट ऑफ थोड़ा और ऊपर ही होगा ओके okay? ठीक है क्योंकि ऑल थिंग इस डिपेंड एंड दट हाउ यू आर डूइंग काउंसिलिंग ओके सो इफ यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट द काउंसलिंग एफ यू वॉन्ट टू टेक हेर दे माई टेलीग्राम चंद भी आप डिवाइन कर सकते हैं एंड इफ यू वांट दैट आई विल सजेस्ट यू आई विल गाइड यू टी द काउंसलिंग देन यू कैन ऑल्सो आई मीस आई विल प्रोवाइड द पेड काउंसलिंग एट नॉमिनल प्राइस ओके सो यू कैन कॉन्टेक्ट वी एट इंस्टाग्राम अगर आप इंटरेस्टेड नहीं तो आप कर रहे हैं तो करें बट आई एम सजेस्टिंग विद द डोंट टेक रिस्क ओके प्लीज डोंट टेक रिस्क बिकॉज इस क्वेश्चन ऑफ योर कैरियरियरियरियरियर कॉलेज में आप चार चार लाख पाँच पाँच लाख पेमेंट करेंगे एंड थोड़ा सा के लिए अगर आपका कॉलेज मिस हो गया ब्रांच मिस हो गया अदर थिंग्स देन यू विल फेस द प्रॉब सो डोंट टेक रिस्क अगर आपको ज्ञान नहीं है तो तो बी सी रॉय का सी एस सी का कट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो मैं कहा सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तक जा सकता है टॉकिंग द कट ऑफ फॉर द आई टी दैट गोज टू एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड्रेड सेवेंटी एट स्टार्टिंग एंड गो अपू फोर्टी सिक्स थाउजेंड ओके सो आई टी भी मिलने का इसमें चांस है मीनस आराम से आपका फोर्टी थाउजेंड फोर्टी टू थाउन्ड है तो हो जाए ओके सो दे वेरियस कमेंट दैट दे आस्किंग भैया आई आरो डब्ल्यू बीजे एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड कॉलेज फॉर आई टी सी दिस मे बी योर गुड ऑप्शन ओके बहुत अच्छा कॉलेज है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और थोड़ा सा मीन्स एज अ वाइड सीनियर लोग थोड़ा सा मीस करते हैं बट ओवरऑल फाइन ओके मेन उतना भी नहीं है थोड़ा बड़ा होता है ओके आई मेड डिटेल प्रोज एंड कॉन ऑफ ऑल दिस कॉलेज ओके प्रोज एंड कॉन भी बता बना चुका हूँ ऑल कॉलेज का तो आप वो भी देख सकते हैं दैट विल हेल्प यू ओके तो मैं आपको बस शॉर्ट में इसमें बात करूंगा फॉर सिमिलरली फॉर द ई सी कटआउट एंड स्टार्ट फ्रॉम फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी टू एंड गो अपू सिक्सटी फोर थाउजेंड थ्री हंड सिक्स एंड फॉर द सी एस सी एंड सी एस सी आर्ट डिजाइन दैट इज द ट्वेंटी सेवन थाउजेंड से हो रहा है जो कि सिक्सटी फोर थाउजेंडें तक जा रहा है बट कोई खास कोर्सिस का नहीं है okay? ओके एंड सिविल तो भाई अप टू सिक्सटी थाउजेंड मिल रहा है ओके सो एव ऑलरेडी मेड दैट वीडियो दैट या मीन्स फॉर द कोर ब्रांचेज दिस कॉलेज आर नॉट मच मोर गुड बट इफ यू हैव अ पोटेंशियल देन यू विल सर्टेनली गेट प्लेस इन ए गुड एम एन सी अंदर कम नरूला का वही सी एस सी का देख लीजिए कट ऑफ कितना सेवेंटी फोर मीनस सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी पे शुरू हुआ रहा है एंड गोज अप टू इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स ओके एंड फॉर सी एस सी इट स्टार्ट फ्रॉम द नाइन थाउजेंड फोर सेवेंटी सेवन गोज अप टू थर्टीन थाउजेंड फोर फोर्टी नाइन ओके टी का भी आप देख सकते हैं ये जनरल था जो मैं अभी बता रहा हूँ टी एफ डब्ल्यू था के आडीए जेनरल है मींस ट्वेंटी तक आपका नीट्रोल आराम से मिल जाएगा एंड आई टी यू कैन इजली गेट फोर्टी तक ओके सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट सो दिस इज ऑल द कट ऑफ आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द स्टैब्लिश लोकेशन तो मैं पहले बता दूँगा वही लगभग तीनों कॉलेज सेम ही टाइम स्टैब्लिश हुआ 1999 नाइनटी नाइन बी पी पोदार बी सी रॉय टू थाउजेंड एंड नरूला टू थाउजेंड वन एंड यू नो द लोकेशन कोलकाता पोदार बी सी रॉय इन दुर्गापुर एंड इंपॉर्टेंट कॉलेज ऑफ द दुर्गापुर एंड द नरोला दैट इज इन आगरपारा कोलकाता ओकेज ऑल अबाउट द स्टैब्लिश एंड लोकेशन प्लेसमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक का भाई मेन फोकस रहा है प्लेसमेंट सो वट आर द प्लेसमेंट ऑफ दीज कॉलेज सो फॉर द बी पी पोदार वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट सिंस इट इज सिचुएटेड इन दिटी कोलकाता सो आई एटी सेवन परसेंट अपू इन सी एस सी एंड फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट इन कोर एंड बी सी रो आए सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट इन सी एस सी और इस साल बहुत इंप्रूव हुआ कि हाइएस्ट पैकेज फिफ्टीन लैक तक गया इस बार ओके सो दैट इज़ अगेन गुड एंड फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट इन कोर ब्रांच है एंड सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट इन सी एस सी फॉर द नरूला ओके एंड एवरेज पैकेज की बात करूँ तो थ्री पॉइंट सेवन टू फोर पॉइंट जीरो बी पौदार इस साल भाई एवरेज पैकेज इंक्रीज हुआ इनका फोर पॉइंट फोर तक चला गया सो दिस इज़ वेरी रियली गुड एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बी सी रो एवरेज पैकेज थ्री पॉइंट फोर टू थ्री पॉइंट नाइन लैक्स ओके एंड नरूला है थ्री पॉइंट नाइन टू फोर पॉइंट फोर लैस सो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट सम हाउ बी पोदार इज बेस्ट बट कैंपस लाइफ कोई बी पोदार का कोई खास नहीं बहुत छोटा कॉलेज है आप मेरा कॉलेज का रिव्यू का देख सकते हैं उसमें बताया हूँ प्रोजेड कॉन में भी तो आप चेक कर, कर सकते हो सो कैंपस कोई खास इंजॉय लाइफ नहीं है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट नाउ हॉस्टल सो टुगेदर हॉस्टल इज प्रेजेंट ऑन नॉट स्पेशली दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ द हॉस्टल सो हॉस्टल के मामले में भाई बीपी पोदार आपको निराश करेगा दैट इज इट हैव नो एनी हॉस्टल एंड बी सी रॉ इंजीनियरिंग दुर्गा दुर्गापर उसका हॉस्टल है बहुत अच्छा हॉस्टल ओके बट क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट मच मोर गुड ओके ऐसे भी होस्टल में भाई आपका फूड कोई भी कॉलेज का देख लें अच्छा नहीं होगा ओके आई आई टी एन आई को छोड़ के भाई उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ बट नॉर्मली सब कॉलेज का कोई होस्टल खास नहीं रहता है ओके बट हॉस्टल का खर्चा भी मैं okay? so okay? आपको नॉर्मल पड़ेगा ओके एंड नरूला हैव अस्टल सो दिस इज गुड फॉर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ होस्टल ओके नाव मूविंग टू नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीस कितना आपको सो बट इज़ द फी ऑफ ऑल थ्री कॉलेज बी पी पोदार बी सी रॉय एंड नरूला ओके okay? सो so, मैं आपको एक पी डी एफ भी शो करता हूँ कितना फी लग रहा है ओके सो वेट आई एम शोइंग यू सो दैट इज़ द फी स्ट्रक्चर ऑफ बी सी रॉय ओके ये फी स्ट्रक्चर है बी सी रॉय का भाई ये आप देख सकते हैं एंड दिस इज द लेटेस्ट ओके सो मैंने उसमें जो वीडियो में बताया था बी सी रॉय का उसका प्रीवियस ईयर था वही और उसमें मैं बताया था कि कोई खास इंप्रूवमेंट में इंक्रीज नहीं होगा ओके okay? सो so, इस साल की देखिए लगभग फीस सेम है फॉर बी सी रॉय फी फॉर द फर्स्ट ईयर एट्टी थाउजेंड और सेकेंड ई ईयर एटी टू थाउजेंड थर्ड ईयर एटी फोर थाउजेंड एंड एटी सिक्स थाउजेंड फॉर द फोर्थ ईयर ओके एंड होस्टल वही टू टोटल कौशन डिपोजिट वन टाइम फॉर द होस्टल इज टूवल्ल थाउजेंड मीन्स टूवल्ल थाउजेंड को बस का जी कौशन डिपॉजिट होगा जो कि आपका रिफंडेबल है आफ्टर फोर ईयर आपको रिफंड कर दिया जाएगा ओके एंड विदाउट होस्टल फैसिलिटी टेन थाउजेंड ओके लाइब्रेरी फी ये सब जोड़ के मीन्स आ रहा है टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके सो दिस इज ऑल द मीन्स लाइब्रेरी फी इतना है ये सब है ओके मीस टोटली आपको ये पेमेंट टू वी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओके अगर आप विद हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा वन लैख टू थाउजेंड फिफ्टी ओके सो इतना आपको देना पड़ेगा विद हॉस्टल इफ यू आर वांटिंग टू दैट जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फी मेस चार्ज सीट रेंट लाइब्रेरी फी ऑल इंक्लूडेड रहेगा एंड विदाउट हॉस्टल यानी अगर हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे हैं यू आर ऑप्टिंग फॉर आर पी जी एंड मेस देन यू हैव टू पे जस्ट सिक्स सेवन सिक्सटी सेवन थाउजेंड फिफ्टी ओके यानी अबाउट थर्टी टू थाउजेंड थर्टी फोर थाउजेंड तक वही आपका हॉस्टल का खर्चा आ रहा है क्योंकि ठीक ही है ओके okay? uh, ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्टल एंड मीन्स फी विद हॉस्टल विदाउट हॉस्टल ये बीसी रॉय का था ओके एंड दिस इज फॉर द ईच सेमेस्टर भाई इतना आपका पड़ता है ओके uh, ड्रेस किट ये सब का खर्चा भी आता है जो कि फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड तक बॉयज़ किट ड्रेस किट का जो है ड्रेस वगैरह मीन्स बॉयज का ड्रेस सत्रह हज़ार फुल सी ब्लेजर गर्ल्स का स्कर्ट फुल स्लीव शर्ट ब्लेजर शूटिंग टाई एंड मिल्म गर्ल्स ड्रेस किट चॉइस सी मैंने दो दो चॉइस देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक दैट सो so, ये बात कर ली आपको बीसी रॉय आप स्क्रीन ले सकते हैं चाहे तो और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा नीड टू ऑट दैट ठीक है टी एफ डब्ल्यू का मीन्स थोड़ा कम ही रहेगा ओके okay. सो so, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं नीड टू बरी ऑर्ड दैट ओके मूविंग टू नेक्स्ट आपका मीन्स नेक्स्ट बताता हूँ ये बीसी रॉय का हो गया अब अगला अपना नेक्स्ट है दैट इज द नरूला ओके सो नरूला का क्या ये भाई सिंपली आई होप मीन्स थोड़ा स्लो दिख रहा मीन्स जूम करते ओके सो दिस इज द एक्चुअली द नरूला फॉर द मीन्स फर्स्ट ईयर यू हैव टू मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव टू पे एट्टी वन थाउजेंड नाइन नाइन फोर्टी फोर मीनस स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा है ओके एंड सेकेंड सेमेस्टर सिक्सटी थाउजेंड थर्ड सेमेस्टर फिफ्टी फोर थाउजेंड एंड टोटल आपका जो खर्चा आएगा फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड ओके फॉर द बटेक एंड लेटरल एंट्री भाई थ्री लैख टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी ओके एंड यू कैन टेक द स्क्रीन टू सो दिस इज ऑल द कोर्स ऑफ द नरूला ओके और इसका भी टी एफ डब्ल्यू का भाई लगभग इससे मीन्स लोअर ही है मीन्स अबाउट टू लाख ढाई लाख में आपका हो जाता है ओके सो टी एफ डब्ल्यू का वही फ़ायदा है भाई बहुत कम पैसा में आपका आराम से चार साल हो जाएगा ओके सो बात कर दी है बी सी रॉय एंड नरूला और बी पी का आपको दिखा देता हूँ ओके सो दिस इज एक्चुअली द बी पी पदार फीस स्ट्रक्चर ओके okay? आपको मैं शो कर रहा हूँ ओके दिस इज द ट्यूशन फी फॉर स्पेशली फॉर द टी एफ डब्ल्यू का मैं बात कर रहा हूँ तो एडमिशन फी आपको पाँच हज़ार लगता है ओके एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे जस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड ओके सो एडमिशन के टाइम आपको ट्वेंटी फाइ थाउंड एट हंड करना पड़ेगा स्पेशली फॉर द टी एफ डब्ल्यू और मैं बात कर लेता हूँ अब स्क्रीन शॉट आप लेना चाहेंगे तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ओके okay? और ये देखिए भाई ये जनरल कैंडिडेट है ओके जनरल कैंडिडेट के लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा सो दिस इज़ द फी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर एट्टी एट थाउजेंड ठीक है एंड सेकंड ईयर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर नाइन्टी थाउजेंड लगता है ओके मीन्स ओके दिस इज ऑल अबाउट द कौशन डिपोजिट टेन थाउजेंड लगता है एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे सिक्सटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड सो फर्स्ट मीन्स आप अगर आप अभी जाएंगे डब्ल्यू जी आई रिपोर्टिंग में और आपको एडमिशन लेना देन यू हैव टू पे सिक्सटी नाइन थाउजेंड एट हंड ओनली जिसमें से आपको मीन्स फाइव हंड्रेड वो फाइव थाउजेंड रहता है वो एक्सक्लूडेड होता है ओके सो दिस इज ऑल द फी स्ट्रक्चर ऑफ द बी पी पोदार ओके गाइस तो फीस स्ट्रक्चर आपको मैं शो कर दिया नेक्स्ट मूविंग टू लास्ट सेक्शन कंक्लूजन भैया बीच कॉलेज शुड आई चूज ओके आदर बी सी रो है बी पी पोधार और नरूला सो so, भाई आई एम गिविंग यू अगेन टू कंडीशन दैट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ कॉलेज दैट हैव अ गुड लोकेशन वाइज अगर आप लोकेशन वाइज चाहते हैं और गुड प्लेसमेंट ऑल थिंग देन यू हैव टू चूज अ बी पी पोधार फर्स्ट में रखेंगे सेकेंड बी सी रोए एंड थर्ड थर्ड इज द नरूला ओके okay? और अगर लेकिन इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ गुड कैंपस लाइफ गुड प्लेसमेंट एंड ऑल ओवर थिंग देन बी राय को आपको टॉप में रखना देन बीपी पोदार एंड नरूला ओके okay? नरूला भी ठीक है ओके मीनस okay? नरूला को भी आप ऊपर रख सकते हैं बी सी रॉय अगर आपका कोई लोकेशन पार्टिकुलरली आपका दुर्गापुर या कह सकते हैं बी सी आसान पड़ रहा है तो आप बी सी रॉय को ही ऑप्ट कीजिए आइदर नरूला ओके okay? लोकेशन वाइज अगर आपका वो पास में पड़ रहा है देन यू मस्ट चूज द बी सी रॉय और अगर नरूला पड़ रहा है तो नरूला चूज करेंगे दोनों में कॉलेज अगर कम्प्रेजल ओके बट बी पोदार इनका प्लेसमेंट हाई है गुड ऑल लाई बट कैंपस में थोड़ा निराश करता है और हॉस्टल भी नहीं ओके okay? तो so, मैं सब कंडीशन बता दी आप कौन किस अकॉर्डिंग से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं दैट ओके सो आई होप योर ऑल डाउट रिगार्डिंग दिस कॉलेज आर क्लियर और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा इस तरह का वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं आप लोग के लिए भाई महोद मेहनत कर रहा आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं उतना ही मेरे लिए काफ़ी है एंड आई विल हेल्प यू अगेन कर हूँ टिल द ड्यू आई काउंसिलिंग इन आफ्टर टू सो मेक्स यूर टू सपोर्ट माई चैनल So, तब तक के लिए बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद